भागलपुर मुख्य मार्ग NH 80 अकबरनगर पर स्कूल से बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रहा एक टेम्पो रसीदपुर मस्जिद के पास असंतुलित होकर पलट गया। टेम्पो पलट जाने से 8 वर्षीय छात्र अभिराज कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मृत छात्र की बहन चाहत कुमारी सहित अन्य बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजन आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और छात्र के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना के समीप रोड जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। अकबरनगर भागलपुर मुख्य मार्ग को भी परिजनों ने जाम कर दिया। स्थानीय थाना पुलिस ने पहुंचकर परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाने से दूर दराज जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घंटे बाद जाम की सूचना पाकर सुल्तानगंज VDO मनोज कुमार मुर्मू, CEO रविकांत सिन्हा, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार ने पहुंचकर परिजनों से बात कर सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाले उचित मुआवजा देने की बात कही। इसके बाद परिजन जाम हटाने को राजी हुए। परिजनों ने बताया कि रोज की तरह हमारा बेटा अकबरनगर पूर्व स्कूल में पढ़ने गया था और स्कूल से छुट्टी होने के बाद टेम्पो से अपने घर आ रहा था। इसी दौरान टेम्पो असंतुलित होकर बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते, ऑटो चालक भाग निकला। परिजनों ने घर से खदेड़ कर स्कूल के ऑटो चालक मोहम्मद समीर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर असंतुलित होकर ऑटो पलटने के बाद घायल बच्चों को किसी तरह ऑटो से निकाला गया। इसमें एक बच्चा अभिराज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। टेम्पो चालक ने घायल बच्चे को इलाज के लिए न ले जाकर स्कूल की तरफ ले जाने लगा, जिस वजह से बच्चे की इलाज में देरी हो गई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत होने की सूचना गाँव में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। परिवार वालों में चीख पुकार की गूंज सुनाई देने लगी। वहीं परिजनों ने बताया दो भाई एवं एक बहनों में अभिराज सबसे बड़ा था। इसमें एक उसकी छोटी बहन चाहत भी दुर्घटना में जख्मी हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है। बताते चलें, क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल हैं जो बिना निबंधन के ही चल रहे हैं। धड़ल्ले से स्कूल की गाड़ियां भी मानकों को ताक पर रखकर बच्चे को लेकर आती जाती रहती हैं। स्कूल की गाड़ियां हैं कि चालक के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना स्कूल बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियां मानक के अनुरूप हैं। इन्हें ना तो कोई रोकने वाला होता है और ना ही कोई कहने वाला, जिस वजह से आए दिन इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। यदि प्रशासन एवं शिक्षा विभाग सजग होकर कार्यवाही करे तो इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। हालांकि इस मामले के बाद पूछे जाने पर CEO ने बताया कि यदि बिना निबंधन के ही स्कूल वाहन चलाया जा रहा है व स्कूल के वाहन मानकों के अनुरूप नहीं थे, इसके लिए जांच कर स्कूल प्रबंधक के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है। क्या हुई है और इसको लेकर के जो पीड़ित परिवार है उनको क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ पे अभी पता चला है कि एक ऑटो एक्सीडेंट में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है स्कूल का, तो लोगों ने रोड जाम कर दिया है। तो इसमें जो भी है मुआवजे सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। जी सर, स्कूल का वाहन था सर, स्कूल का पता चला है कि ऑटो जो था स्कूल के स्कूल के तो प्रबंधक के तरफ से जो मानक होता है सर वाहन का, वाहन चालक के पास लाइसेंस तक नहीं है, तो इस पर सर स्कूल और प्रबंधक पर क्या कार्रवाई किया जाएगा? इसके लिए पता किया जाएगा कि क्यों नहीं ऐसा क्या किया जा रहा, फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग की तरफ से किया जाएगा स्कूल के प्रबंधक। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।